सर ब्रांच में कोई भी मैनेजर या कैशियर और ओनली चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी यहाँ पे बैठा हुआ है और ऑफिस में किसी भी तरह का कार्य नहीं हो रहा है। कंप्यूटर बंद है और आज 26 तारीख से बंद है करीबन। और आरएम द्वारा बोलने पर बोलता है कि 5-6 दिन में अरेंजमेंट करेंगे, मैनेजर का कब तक अरेंजमेंट करेंगे ये भी पता नहीं है। सही नहीं बता रहे कि कब तक अरेंजमेंट होगा। हमारा पेमेंट अभी तक इतनी 6-7 डायरी हैं, 3 लाख का पेमेंट एक है, करीबन 9 लाख का पेमेंट पड़ा है। किसी कर्मचारी नहीं होने के कारण पेमेंट नहीं चल रहा है। और ब्रांच में किसी भी चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी के अलावा कोई भी बच्चा भी नहीं है, जो कि किसी कार्य कर सके। और किसी कार्य करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कैसे करेगा यह मुझे पता नहीं है। वो बोल रहे हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कर देगा, कैसे कर देगा? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कोड नंबर नहीं है, जबकि उसको कोई काम करना आता नहीं है। सर ब्रांच में कोई भी मैनेजर या कैशियर और ओनली चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी यहाँ पे बैठा हुआ है और ऑफिस में किसी भी तरह का कार्य नहीं हो रहा है। कंप्यूटर बंद है और आज 26 तारीख से बंद है करीबन। और आरएम द्वारा बोलने पर बोलता है कि 5-6 दिन में अरेंजमेंट करेंगे, मैनेजर का कब तक अरेंजमेंट करेंगे ये भी पता नहीं है। सही नहीं बता रहे कि कब तक अरेंजमेंट होगा। हमारा पेमेंट अभी तक इतनी 6-7 डायरी हैं, 3 लाख का पेमेंट एक है, करीबन 9 लाख का पेमेंट पड़ा है। किसी कर्मचारी नहीं होने के कारण पेमेंट नहीं चल रहा है। और ब्रांच में किसी भी चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी के अलावा कोई भी बच्चा भी नहीं है, जो कि किसी कार्य कर सके। और किसी कार्य करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कैसे करेगा यह मुझे पता नहीं है। वो बोल रहे हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कर देगा, कैसे कर देगा? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कोड नंबर नहीं है, जबकि उसको कोई काम करना आता नहीं है।